बुलंदशहर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दिलशाद अहमद की मेहनत और पार्टी के प्रति लगाव होने के कारण AIMIM पार्टी का जन आधार बढ़ता जा रहा है। जिला कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश के प्रवक्ता आदिल अलवी ने किया। कार्यकालय के उद्घाटन के मौके पर जिले भर से सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता दूर दूर से शिरकत करने पहुँचे। इसके बाद एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। प्रदेश सचिव डॉक्टर रियाजुद्दीन सैफी ने कहा, हमारी कौम को आज तक सपा बसपा कांग्रेस ने भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का काम किया है। अब हम सबको एक साथ मिलकर AIMIM पर भरोसा जताना है। अलवी साहब, आज यहाँ आप कार्यालय का उद्घाटन करने पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया में जिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ जो है चुनाव में हिस्सा लें, उससे पहले हमारा जिला पंचायत का इलेक्शन है, उसमें भी अपने कैंडिडेट को जो है मौका देंगे। और इलेक्शन जैसा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी होती है चुनावी एजेंडे को फुलफिल करने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। और इस बार हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव में हिस्सा लेंगे, और जो हमें सीरियस नहीं लेगा वो उसकी भूल होगी, उसकी गलती होगी। तो आपकी पार्टी गठबंधन करने जा रही है? गठबंधन अभी हमारी राजभर जी से मुलाकात हुई है, हमारे शिवपाल जी से मुलाकात हुई है, और अभी फर्दर कोई हमारे पास किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं कि हमारी किससे बात होगी या किससे गठबंधन होगा। लेकिन हम हाँ छोटे छोटे दलों के संपर्क में हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर छोटे दल मुत्तहिद हो जाए या कोई इत्तेहाद बनाने कोई गठबंधन बनाते हैं तो यकीनन वो सपा और BSP कांग्रेस का एक विकल्प होगा। तो अभी 22 को लेकर के क्या क्या तैयारी चल रही है? क्या तैयारियाँ हैं कि हम पहले तो स्टेट की अपनी यूनिट हमने बनाई, तकरीबन 150 लोग हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव में हैं। उसके बाद हमने फिर विस्तार किया संगठन का, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमने जो है यहाँ डॉक्टर रियाज साहब को प्रदेश सचिव बनाया, उसके बाद जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, फिर महानगर अध्यक्ष बना रहे हैं, मतलब ब्लॉक अध्यक्ष ग्राम पंचायत तक जो है हम अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं।